के साथ और खबर है गुजरात के सूरत से। गणपति उत्सव के दौरान पंडाल पर पथराव की खबर सामने आई है। दूसरे समुदाय के उपद्रवियों पर पथराव का आरोप लग रहा है। पथराव की घटना के बाद सूरत में जबरदस्त हिंसा और स्थानीय हिंदू ने सैयदपुरा थाने का घेराव भी किया। हिंसक हो चुकी भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था और इसीलिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। आपको बता दें कि हिंसक हो चुकी भीड़ ने गाड़ियों में आगजनी कर दी। बता दें आपको ये भी कि पत्थरबाजी की घटना में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के चूल्हे भी दागे। ये तस्वीरें आपके सामने। हिंदुओं का ये पर्व जिस पर धूमधाम के साथ प्रभु श्री गणेश को विराजमान किया जाता है, जगह जगह पंडाल लगते हैं, लेकिन इसी पर पथराव की घटना सामने आई। आरोप दूसरे समुदाय पर लग रहा है। इसके बाद जब पथराव हुआ तो लोग कैसे आग बबूला हो गए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले थाने का घेराव किया गया और फिर उसके बाद पुलिस को जब इन लोगों को कंट्रोल करना था तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। ये 8 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सूरत में गणेश पांडाल पर पथराव के बाद इलाके को कैसे छावनी में बदल दिया गया, इस तस्वीर में आप देख पाएंगे। दो समुदायों के बीच तनाव ना बढ़े, इसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। तनाव वाले इलाके में SRP की टीम को तैनात किया गया। पंडाल पर पथराव के बाद भड़की भीड़ ने जबरदस्त बवाल मचाया था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी जैसी हिंसक वारदातों को अंजाम दिया गया और इन्हीं तमाम घटनाक्रमों को आप इन 8 तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या नजारा था, ये 8 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पूजा पंडाल पर पत्थर, तो सूरत में कैसे माहौल गर्म हो गया, इन सारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हिंदू समुदाय के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस थाने का घेराव किया। कार्रवाई ना होने को लेकर जब सवाल पूछे तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा समय में गुजरात के जो गृह मंत्री हर्ष संघवी, वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। उन्होंने कहा था, जब रात में वो बात कर रहे थे इस पूरे घटना पर, तो उन्होंने कहा था कि सुबह का सूरज उगने से पहले तमाम अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे होंगे और अब तक कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। ये तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर हजारों लोगों के प्रदर्शन की है, दूसरी तस्वीर गाड़ियों में आगजनी, तीसरी तस्वीर पथराव की, चौथी तस्वीर भीड़ पर लाठीचार्ज की, पांचवी तस्वीर छावनी बने पूरे इलाके की जहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सातवीं तस्वीर तबाही और तोड़फोड़ के मंजर की और आठवीं तस्वीर जो है वो माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी की। और इसी गिरफ्तारी का दावा जो था वो गृह मंत्री ने किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको इस पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं कि वहां पर हुआ क्या, कैसे स्थिति इतनी खराब हो गई कि पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, आगजनी और हिंसा होने लगी। ये पूरी तस्वीर हम आपको इन बिंदुवार पॉइंटर्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। गणेश चतुर्थी का मौका था, गणेश पंडाल सजा हुआ था, सैयदपुरा क्षेत्र जहां पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा था, गणेश पंडाल पर पथराव अचानक होने लगा और यही सबसे ज्यादा शॉकिंग था कि ये भाई पथराव करने वाले लोगों की मंशा क्या, वो पथराव कर क्यों रहे। बताया जा रहा है कि शरारती तत्व थे जिन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और ये पथराव जो थी वो हिंदू जो आस्था में लीन थे, जो धर्म में लीन थे, उन लोगों को सबसे ज्यादा खटक रहा था। पथराव के बाद फिर सूरत में हिंसा भड़क उठी, भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ का गुस्सा जो था वो तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। हालांकि भीड़ की इस हिंसा को किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, जो उपद्रव कर रहे थे उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। CM ने पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले पर बात की, निर्देश दिए गए कई सारे, उपद्रवियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पथराव करने वाले अब तक 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जो सबसे बड़ी बात है। शांति भंग करने वाले नहीं बचेंगे, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ये बात क्लियर कर चुके हैं। रात में उन्होंने कहा था कि जिसने भी ये साजिश की है या पथराव किया है उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, सुबह सूरज उगने से पहले गिरफ्तारी होगी। और 27 गिरफ्तारियां आपके सामने। सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और सूरत से हितेन बिटलानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं।
सूरत की क्या स्थिति है इतना अभी इस वक्त, क्योंकि गृह मंत्री कह रहे थे कि सुबह का सूरज उगे उससे पहले हम गिरफ्तार कर लेंगे अपराधियों को। 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या अभी और भी लोग पुलिस की रडार पर है, क्या पूरी जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, पूरे इलाके के सारे सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अगर मैं अनुराग आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये तबाही की तस्वीर आप देखेंगे, ये सारी ऑटो जो है किस तरीके से तोड़फोड़ दी गई। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑटो है, वहां पर एक 5वीं ऑटो है, लेकिन जो सीसीटीवी है आप देखिए पुलिस के पास सारे एविडेंस मौजूद है, क्योंकि अगर यहाँ पर सूरत पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा में और ट्रैफिक के इंतजाम में जो सीसीटीवी लगाए गए उसमें पूरी ये तस्वीर कैद हुई थी। ये सामने सैयदपुरा पुलिस चौकी है जहाँ पर घेराव किया गया था, जब पथराव हुआ यहाँ से ठीक सामने वाली जो गली है, मैं अपने विजय से कहूँगा तस्वीर दिखाया, जहाँ से ये स्वॉट की गाड़ी मुड़ रही है उसी गली के अंदर 100 मीटर की दूरी पर वो गणेश पंडाल है, वहाँ पर करीब रात में 11 बजे के बाद करीब 3 से 4 लोग ऑटो में पहुँचते हैं और पंडाल पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मूर्ति खंडित करने की कोशिश की गई थी, मूर्ति खंडित नहीं हुई, नीचे के हिस्से में कुछ ज़रूर नुकसान पहुँचा है ये पंडाल की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन उसके बाद जो दो बच्चे वहाँ पर पथराव करने आए हुए थे उनको लोगों ने वहीं पर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जब धीरे धीरे मामला पूरे इलाके में पूरे सूरत में फैलना शुरू हुआ तो भीड़ जो है इसी पुलिस चौकी पर इकट्ठा हो गई और यहाँ पर मांग कर दी गई कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद आसपास के इलाके से भी यहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा हुई तो आसपास के इलाके से भी बताया जा रहा है पथराव हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मामला जो है वो देर रात काफ़ी पेचीदा हो गया था। उसके बाद पुलिस को टीयर गैस छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, हल्का सा पुलिस को करना पड़ा। दिखाते रहिए, मैं कुछ सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। पुलिस छावनी में तब्दील, मुझे ये बताइए कि आपने जैसा बताया कि दो लोग थे, दो बच्चे थे, उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो जो लोग थाने का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे क्या और भी लोग थे उस पथराव में? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जितने भी लोग ये खबर देख रहे हैं उनके मन में ये बात जरूर चल रही होगी कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू पर्व का आयोजन किया जा रहा है, पंडाल लगा है जो देश में हर जगह लगता है, ये पथराव क्यों किया गया? क्या सिर्फ ये हिंदू त्यौहार था इसलिए पथराव किया गया? क्योंकि इस तरह की मोडस ऑपरेंडी जो है वो समय समय पर हिंदू त्यौहारों पर देखने को मिली है, चाहे वो दुर्गा पूजा का जुलूस हो चाहे वो कोई और जुलूस हो, क्या सिर्फ हिंदू पर्व इसलिए किया गया? देखिए ये दावा किया जा रहा है अनुराग के पिछले साल इसी इलाके के एक और पंडाल पर इसी तरीके की हरकत की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पथराव करने वाले थे गणेश पंडाल पर वो बच्चे थे, तो आप सोच सकते हैं कि एक सोची समझी साजिश है। अब पुलिस इसी बात का पता लगा रही है क्योंकि पुलिस ने 6 बच्चों को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे के पूरे पथराव में थे। संकेत से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए कि पूरा एरिया अभी भी जो है किस तरह छावनी में तब्दील है। पुलिस ने 6 बच्चों को गिरफ्तार किया है जो पंडाल पर पथराव करने गए थे, उसके अलावा 27 और लोग गिरफ्तार हुए जो इस पूरे के पूरे मामले में उस जब भड़का हिंसा भड़की उसके बाद वो यहाँ पर अलग से पथराव कर रहे थे, उन लोगों को उकसा रहे थे, ये उस मामले में गिरफ्तारी हुई। देखिए 3 अलग अलग FIR हुई है, एक गणेश पंडाल पर पथराव की FIR हुई है, एक उकसाने के मामले में हुई है, एक आगजनी की FIR जो है वो की गई है। अब सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के पास, सूरत पुलिस के पास ये है कि आपने देर रात तुरंत कार्रवाई करते हुए सबको गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन अब उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी ये सब देखिए। जब आप ये कहते हैं वजह क्या थी ये सब, ये बच्चे थे तो पहली बात तो ये कि हिंसा और पथराव करने वाले बच्चे कैसे हो गए, और वाकई अगर उनकी उम्र बहुत छोटी थी तो उनके दिमाग में ये जहर कौन भर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है।